मुखड़ी ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। एक नए दिन में नए ब्लॉग में मैं बबीता ओरिया ले चलती हूँ आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। वही मेरी तैयारी हो चुकी है श्राद्ध में। अब श्राद्ध लगे हैं ना, तो आज से पहला श्राद्ध है और मेरा गला भी खराब हो रखा है। तो पहला श्राद्ध है तो मैं जा रही हूँ ऊपर खाना खाने। श्राद्ध है मेरी दगड़िया लोगों के घर, मतलब परिवार में। यहाँ गाँव में ऐसा होता है कि परिवार परिवार से श्राद्ध करते हैं। ऐसे आज उनके परिवार में है, कल किसी और के परिवार में, परसों को किसी और के परिवार में। पर खाना तो बना है नीचे और मैं जा रही हूँ अभी ऊपर, उसको लेके आती हूँ पहले, क्योंकि मैंने उसको फ़ोन किया तो वो अभी घर में ही है, उसको लेके आती हूँ। तो हम जा रहे हैं और भूख से सबकी हालत इतनी डाउन हो रखी है, पैर भी नहीं चल रहे। यहाँ पे चल रहा है अभी भोजन, पहले बड़े लोग कर रहे हैं फिर हम लोग खाएंगे छोटे मोटे। अभी देखो हमें मिली है खाली थाली, वहाँ पे खाना खत्म हो गया तो खाना लेने के लिए गए हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। और ये मेरे को गला रही है क्योंकि इसने आज सुबह नहीं खाया था, मैं नहीं यहाँ मेरे से कह रही है भूख लगी है खतरनाक वाली। तो आज देखो आज खाना हमारा पहले श्राद्ध के यहाँ है, कल से कहीं और खाएंगे। 16 श्राद्ध में 16 घरों में खाना तोड़ के आएंगे। यहाँ पे मिल गया खाना पर खीर नहीं मिली, अभी खीर भी मिलेगी उसके बाद खाते हैं मस्त करके। ये देखो मैंने तो खत्म कर दिया पर अभी भी खाने में है। मेरा ये बचा है क्योंकि इसमें मिर्च ज्यादा रखी है और मैं मिर्च बहुत कम खाती हूँ, इसीलिए मैंने वो बचाया, वरना मैं ज्यादा खा टूस टूस। हाल फिलहाल हम लोग खा के आ गए हैं और एक मेरे को जाने नहीं दे रही है। मैंने यहाँ से नीचे को जाना है, इसने यहाँ से ऊपर को जाना है। तो दोस्तों हाल फिलहाल मैं खाना खा के जाने लग गई हूँ घर को और पार कर रही हूँ छोटी छोटी सीढ़ियाँ। अब मैं जाती हूँ घर और मैंने जो जैकेट पहना है ना भैया, तगड़ा क्या हुआ, तगड़ा गर्म हो रहा है इससे, इतनी गर्मी हो गई खाते टाइम तो हद से भी ज़्यादा। तो ऐसे ही कल परसों अक्सर रोज खाते रहेंगे। मैं ना मतलब दोपहर के खाना खाने के बाद मैं पहुँच गई थी घर, और तो उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी और उसके बाद देखो मैंने धोए इतने सारे कपड़े भी। हम लोग कुछ नहीं कर रहे। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सबके सब एकदम बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए फिर मैं बबीता ओरिया ले चलती हूँ आप लोगों को एक नए दिन में नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। तो अभी मेरी तैयारी हो चुकी है चामी जाने की किटकिट लोग के घर, क्योंकि वहाँ है श्राद्ध। उससे पहले मैं खा रही हूँ यहाँ पर पहाड़ी ककड़ी, क्योंकि मेरे को लग गई है भूख इसलिए मैं ककड़ी खाते आ रही हूँ। और अभी टाइम की बात करें तो टाइम रखा है शाम के, मतलब दोपहर के 12:30। अब मैं भयानक सीढ़ियों को पार कर रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ बहुत बड़े रिस्क में क्योंकि दिन के 12:30 बजे इतनी तगड़ी धूप लग रखी है उस टाइम पे मैं जा रही हूँ, और मेरे को यहाँ पे सांप वाप का बहुत डर लगता है। पर मैं आज रिस्क में जा रही हूँ तो जा रही हूँ, क्योंकि जाना भी ज़रूरी है ना। तो वहाँ है श्राद्ध किटकिट लोगों के घर में, इसीलिए जा रही हूँ, और किट्टू से भी मिल के आऊँगी इसी बहाने। तो चलिए फिर चलते हैं। तो चलते चलते मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पुल के पास में, और अभी मैं अकेली जा रही हूँ, आज मैं अकेली हूँ क्योंकि मेरे साथ आज कोई आया ही नहीं। प्लस मेरे को तो डर लग रही है भैया तगड़ी वाली। और यहाँ देखो धान को चूट के यहाँ पे पराल को सुखाने के लिए डाल रखा है आसपास के खेत वालों ने। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को आज का मौसम। तो देखो धूप लग रखी है पर हल्की हल्की लगी है, बाकी खेतों में धान की कटाई स्टार्ट हो चुकी है पर हमारे खेतों में नहीं हुई, कुछ कुछ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काटा हुआ है। तो अभी मेरे को यहाँ से होकर रोडी रोड जाना है, पहले जाना है जिया जी के ऑफिस तक। किसके घर आई है मौसी? मेरे घर। और ये पतिकू वहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे देखो मैं यहाँ पहुँच गई थी, पहुँचने के बाद अभी हम लोगों ने खाना वाना सब कुछ खा लिया है। यहाँ पे बच्चा पार्टी गेम खेल रही है फोन में, ये मेरे साथ लगी पड़ी है और ये अपने पापा को आवाज लगाने में लगा है, कपड़े इतने संभाल रहा है उनके। पतिकू कॉक्स भाई भाई, अब पतिकू जाने लग गया अपने घर को। क्या अभी देखो खाना वाना खा लिया और शाम के 5 बज गए हैं, प्लस इन दोनों को देखो ये कैसे लग रखे।
यहाँ पर देखो इनकी डेथ हो रही है, फर्स्ट प्रतिकु, सेकंड प्रशांत फाल्ड किट्टू। अभी वहाँ वाले घर से देखो चल के हम आ गए हैं यहाँ इनके घर में। आज यहाँ का खाना खत्म करके पर यहाँ तो आई थी मैं वैसे ही घूमने के लिए, क्या पता मैं यहीं रुकूं, जो होगा पता लग ही जाएगा। यहाँ देखो मैंने इससे अमरुद की मांग की और मेरे लिए अमरुद आ गया, और इनका घर एकदम शांत वाले माहौल में है। ये किसका घर है? हेलो गाइस, हाँ हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस बोलो। देखो इसका दोनों हाथों से चल रहा है हेलो गाइस, हेलो गाइस, दो एक बार तीन बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस। शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ इसको छोड़ने, कहाँ इनके घर, इनके घर में सामने वो पिंक वाले घर में, ये वाले घर में, ये पिंक वाले घर में। और देखो रास्ता इतना भयानक है ना ये। तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लब्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। जाना हुआ लड़ाई मत करना ठीक है। तो यहाँ देखो रात के खाने की तैयारी, और आज मेरे आने की खुशी में यहाँ पे पूरी बनाई जा रही है। इनके पास चकला भी नहीं है, टाइल में बेल के डाली जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।